आपका बड़ा शुक्र गुजार हूँ, आपने लाइटें लगाई है। देखने वालों को हैप्पी दशहरा। और इस दफा मैं हैरान था, इतने मेरे हिंदू भाइयों ने कांग्रेचुलेशंस भेजी, बल्कि वीडियो जुलूसों की बना के भेजी। और आई वाज सो हैप्पी विद देम गाइस। मेरी तरफ से बहुत बहुत दिली मुबारक हो आपकी खुशियों का, और आपको आने वाले दिनों में आपकी जिंदगी में बेहतरी आए, सेहत आए, लक्ष्मी आए, सब कुछ आए, खुश रहें, आबाद रहें। बिल्कुल ऐसा ही है सर, बहुत आपको भी मुबारक हो और सब लोगों को जो हमें देख रहे हैं उन सभी को दशहरा की बहुत बहुत मुबारकबाद हो। और सर ने लक्ष्मी का नाम लिया तो मैं ये बताऊं सर, आज मैंने एक लॉकेट पहना है और ये लक्ष्मी देवी का लॉकेट है, और मुझे मेरे फ्रेंड कह रहे हैं आप तो खुद लक्ष्मी है, आप तो खुद लक्ष्मी है, आपके इतने मोहब्बत करने वाली सारी दुनिया में। आप सोच नहीं सकते कि मुझे कई दफा लोगों ने टेक्सस में, ह्यूस्टन ने, उन्होंने कहा है जी किसी तरीके से आरजू जी से बात हो सकती है। मैं उनको कहता हूँ बिल्कुल, मेरे तो वो फैमिली मेंबर है। यू आर लक्ष्मी आर एनी टू बिगिन विद, आपका इतना इतनी मोहब्बत। देखिए मोहब्बत प्यार भी एक दौलत होती है, और आपने आरजू दिल जीत लिया लाइटें लगा के, सो नाइस ऑफ यू। और मैं समझता हूँ कि इट इज अ बिग डे, इट्स अ बिग डे। मैं, मेरे जो दोस्त हैं, बल्कि मैं जा रहा हूँ यहाँ पे, आपके तो आने तो मैं यहाँ पे, हमारे सेलिब्रेशंस होती हैं और मैं आई एम इनवाइटेड एट कपल ऑफ प्लेसेस, तो मैं खुद, बल्कि आज ऑफिस के बाद वी आर हैविंग डिनर्स एंड सारा म्यूजिक वगैरह सारा कुछ होगा, एंजॉय करेंगे आज इस मेरी तरफ से। बल्कि मैं अक्सर जब खुश होता हूँ तो दोस्तों को कहता हूँ, प्रणाम नहीं कहता हूँ, कहता हूँ दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम इज अ बेटर डिग्री टू एक्सप्रेस माई फीलिंग्स एंड माई जॉय फॉर देम। तो मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत मुबारकें हो, आपके लिए ढेरों दुआएं, गुड विशेस। और एक ये बात होती है आरजू, हमेशा जब आपको देख रहे हो, दोस्त आपके चाहने वाले देख रहे हो, तो बोलने वाले के लिए वो ऑक्सीजन की जगह होती है। तो ये इतना प्यार देते हैं, इतना प्यार देते हैं मुझे। बल्कि आरजू अगले दिन किसी एक दोस्त ने भारत से मुझे मैसेज किया, उस मैसेज का मैं समझता हूँ कि आप वाज ऑलमोस्ट इन टीयर्स। उन्होंने मुझे ईमेल की, उन्होंने कहा कि भारत में मोहम्मद रफी के बाद यू मस्ट बी द सेकंड मुस्लिम जिनके लोग बड़े दिल से प्यार करते हैं। तो मैं धनवादी हूँ, ओब्लाइज्ड हूँ, मैं कर्जदार हूँ उनकी मोहब्बतों का, प्यार का। मेरे लिए इट्स अ मैटर ऑफ प्राइड, इट्स अ मैटर ऑफ। बिल्कुल ऐसा ही है सर। लेकिन सर आज अगर हम भारत की बात करें तो एक क्रिकेट मैच हुआ है भारत में, जिसमें अफगानिस्तान के साथ हमारी टीम मौजूद थी। दो टॉपिक इकट्ठे जोड़ के आज अच्छा नहीं किया, उस पे तो मैं शर्मिंदा हूँ, बहुत ज्यादा एम्बैरस हूँ। और एक और बात जो मुझे सबसे ज्यादा समझ नहीं आ रही, वो जो लड़के हमारे लौंडे लपाड़े जो हार के टीम अब वापस किस तरह आएंगे, पीआईए की 72 फ्लाइट कैंसिल हो गई, 72 फ्लाइट कैंसल वन डे, 70 एक दिन में 70 करोड़ का लॉस पीआईए ले रही है। 10,000 मुसाफिर दुनिया में जलीलो ख्वार हो गए हैं, ना सिर्फ आपकी क्रिकेट टीम खजलीलो ख्वार हो रही है, पीआईए के कस्टमर भी खजलीलो। तो दुख वाली बात एक मैं ये आज जरूर कहूंगा कि इसके बाद आपकी टीम का कोई मॉरल, इसका कोई वजह नहीं बनती कि दोबारा किसी मैच में जाएं या कंट्री छोड़ के इनके ऊपर पैसे ना जाए। इनको कहें जाना है तो साइकिलों पर चले जाए, जहाज के टिकट अब पाकिस्तान नहीं अफोर्ड कर सकता, पहले ही बैंकक्रप्ट हो चुके हैं। तो आज के बाद ये मेहरबानी फरमाएं, इन बच्चों को घर में ही रखें, अगर क्रिकेट नहीं खेल सक रहे तो इनको कहें गुल्ली डंडा खेला करें, गली के अंदर बच्चों के साथ अपने गुल्ली डंडा खेला करें। क्रिकेट या कोई भी वर्ल्ड स्पोर्ट जो है, इस अ नेशनल एम्बैरेसमेंट है, नेशनल एम्बैरेसमेंट है। तो चले फिर ये आरजू, आप ये टीम तो हार गई है तो दूसरे कौन से मैच आप जीत रहे हैं? या बताए ना कि फलां चीज हमारी बहुत जीत रही थी यार, टीम ने बहुत बदनाम किया। पहले आप कभी पासपोर्ट, 12,000 पासपोर्ट आपने बेचे अफगानी भाइयों को, 12,000 पासपोर्ट, एक दो नहीं 12,000, और आपका नीचे से चौथवा नंबर है पहले ही पासपोर्ट। तो चलो, लेकिन लेकिन खैर सर, अफगानिस्तान वाले खेले बहुत अच्छे हैं, ये जरूर है कि उन्होंने खेल के दिखाया जो कि हमें खेलना चाहिए था। एक आज आपको दिली मशवरा दूंगा, आप अपने ये अफसरान जो है, अब इनको लंदन, कैम्ब्रिज, हार्वर्ड और ये सारा ऑक्सफोर्ड ना भेजा करें, इनको कंधार यूनिवर्सिटी में भेजा करें पढ़ने के लिए, काबुल यूनिवर्सिटी। सैंक्शंस के बावजूद आपका सारा डॉलर जो वो खींच कर वहां ले गए हैं, इसका कुछ जवाब है? एक तो क्रिकेट टीम को भी वही रखें, और ये जो आप भेजते हैं अपने सीएसएस अफसरान, इनको भी वही रखें। पाकिस्तान डूब रहा है मेरे ख्याल इन्हीं की वजह से, क्योंकि हर चीज ही बेच देते हैं ना, हर चीज बेच, मुझे तो लग रहा है आज का मैच भी बेचा है इन्होंने। अफगानी भाइयों ने पैसे दे दिए होंगे, डॉलर उनके पास बहुत है पैसे,
उनको पैसे दे दिए होंगे, इन्होंने कहा महंगाई पहले ही बहुत है यार, क्या फर्क पड़ता है, दो गालियां खा लेंगे, पैसे तो मिल रहे हैं। तो ये पासपोर्ट जब बेच दिया 12,000, तो मैच बेचने में कौन सी तकलीफ होती, गलत किया आपने। लेकिन इनको दोबारा भेजे नहीं, आरजू अगर ये मेरी रिक्वेस्ट मान ले तो नेशनल एम्बेरसमेंट को संभाल के रखें। पहले ही कई चीजों पीआईए से कम शर्मिंदगी हो रही है, जो क्रिकेट मैच की अब शर्मिंदगी, ये भी देखनी थी। सर पीआईए का तो बहुत ही बुरा हाल है, लेकिन सर साथ साथ इमरान खान साहब की बात करें अगर, तो उनके ऊपर फर्द जुर्म आयद कर दी गई है और शाह महमूद कुरैशी पर भी। देखिए नहीं, उनको एक खुशखबरी भी साथ मिल गई है कि फौजी ट्रायल जो है वो फौजी अदालतों में ट्रायल नहीं होगी, ये भी तो है। लेकिन उसमें के उनके ऊपर वो तो बनती थी, उसकी वजह ये है कि शेख रशीद साहब ने भी अगले दिन एडमिट कर लिया और उनके जो सेक्रेटरी हैं आजम खान साहब, उन्होंने गवाही दी है उनके खिलाफ, तो केस तो काफी बनते हैं। लेकिन अब देखें आने वाले दिन बताते हैं क्या होगा। लेकिन नवाज शरीफ साहब को जिस तरीके से आपकी स्टेट ने प्रोटोकॉल दिया है, उसके बाद दुनिया सारी जो है वो इलेक्शन को, एक तो आपने इलेक्शन से पहले इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी खराब कर दी, सारी दुनिया, ये मैं नहीं कह रहा हूं, सारी दुनिया ये कह रही है कि अगला वज़ीर आज़म नवाज शरीफ है, तो फिर आप इलेक्शन कराने की क्या जरूरत है आपको, खाम खा आपने एक्सरसाइज करनी है, पैसा जाया करना है, उनको चाबियां पकड़ाएं जाके, अपने नए पर्दे वर्दे लगा लें प्राइम मिनिस्टर हाउस में, बैठे जाके कैबिनेट अपनी पिक करें, कुछ 100-150 बंदा तो रखेंगे कैबिनेट में एटलीस्ट। शहबाज शरीफ साहब के 85 तो उनके थे, वो तो छोटे भाई हैं, बड़े भाई 185 बनाएंगे वजीर, तो फिर इस तरह करें, कोई क्या फर्क पड़ता है भाई। सर इलेक्शन तो हमेशा से ऐसे हुए पाकिस्तान में, तो हमेशा सबको पहले दिन से पता होता है, इमरान खान के वक्त भी पता था इमरान खान आ रहे। आरजू काजमी, किसी ने मुझे कहा कि पीटीआई वाले सारे हैरान, जब डॉक्टर आमर लियाकत कराची से जीत के आए तो पीटीआई वाले खुद हैरान और परेशान हो गए, यार ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। और फिर आपके खाकान अब्बासी साहब, आपके वजीर आजम जो है, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में आज तक कभी फेयर इलेक्शन नहीं हुआ, तो हम कौन होते हैं कहने वाले, ये तो आपके जो लोग असेंबलियों में बैठे हैं वो कहते हैं कि इलेक्शन कभी फेयर नहीं हुआ। चले लेकिन क्या, मैं वही कहता हूं कि एक बैंकरप्ट कंट्री को ये एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए, उनको अब आपने कौम को बता दिया कि आकर नया वज़ीरे आज़म, आप ऐलान कर दें कि ख्वाब में आया है कि ये इलेक्शन जीत गए, तो जीत जाएंगे, तो जीत। सर लेकिन स्टॉक एक्सचेंज आज थोड़ी इंप्रूव हुई है, उसमें क्या वजह हो सकती है? वो तो सैयद आसिम मुनीर साहब ने जो डॉलर जो है डंडों से नीचे किया, तो उससे स्टॉक एक्सचेंज का रिजल्ट निकल रहा है, वो कौन सा नवाज शरीफ साहब की वजह से हिली जुली है, क्रेडिट तो वो लेंगे। अगले दिन तकरीर में वो कहते रहे 2017 में ये था, भाई 2017 में डॉलर भी तो इस तरह ही था, वो अगर देखा जाए तो अयूब खान के दौर में उस वक्त रोटी 25 पैसे की मिलती थी, अब वो तो उसके साथ उन्होंने कंपेयर करें, कोविड प्री कोविड का टाइम था वो, अगर उस हिसाब से देखा जाए तो इमरान खान तो फिर कोविड की वजह से वो उसको भी कई नुकसान हुए होंगे। लेकिन फ्यूचर की बातें करें, आपके पास कौन सा रोड मैप है, कहाँ फैक्ट्रियां लगाएंगे, कहाँ से एक्सपोर्ट्स बढ़ाएंगे, किस तरह बच्चों को तालीम देंगे, पर कुछ लंदन में जो आपके इतना पैसा पड़ा कुछ वहां भी तो वहां से तो लेके आना चाहिए था, आप बिल्कुल खाली हाथ आ गए, ये तो मेरा ख्याल है। और रोड मैप भी कोई नहीं, कोई रोड मैप नहीं, कोई उन्होंने इस तरह की ऐसी बात नहीं की जिसपे कोई नजर आ रहा हो कि इनका कोई प्लान है, इनके पास टीम है, या ये कौम की या मुल्क की जो तकदीर बदल देंगे, कुछ भी नहीं है उसमें। बल्कि लोग आज जो इनके बारे में बात कर रहे हैं कि खुद भी बूढ़े हैं और इनके साथ जो सियासतदान है वो भी सारे बूढ़े हैं, और जो यंगस्टर हैं पाकिस्तान के उनको ये अपील ही नहीं कर रहे। हालांकि मरियम नवाज जो कि खुद जो है वो दादी है, नानी भी है, उन्होंने बड़ी कोशिश की है कि यंग लोगों को एनर्जाइज किया जाए, लेकिन नहीं हो रहे वो। और जो लोग आए थे जलसे में, उनमें से कोई भी लोकल लाहौर का नहीं था, सारे बाहर से पकड़ के मजबूरन पता नहीं लेकर आए उनको, पटवारी और हमारे पुलिस वाले भाईजान डंडे मंडे मार के उनको ले आए हैं 60,000 के करीब, वो भी सुने आधे उठ के चले गए तकरीर के दौरान, और बाकी लड़ते रहे जिनको मोटरसाइकिल के बहाने लेकर आए थे भी, होंडा 125 देंगे, कुछ वहां जन्नत के टिकट ढूंढते रहे कि भी हमारे जन्नत की फ्लाइट किधर है भाई, हम तो जन्नत में जाना था, 70 उड़े थी वहां, मैं तो घरों से तैयार हो गया, कई तो सुरमा मुरमा लगा के परफ्यूम लगा कर आए थे, वो कहते भाई हमने तो 70 हमें हुरे दिखाए, हुरे इंतजार करते फ्लाइट किधर है भाई जन्नत की। लेकिन सर पॉलिटिकल रैलीज तो पाकिस्तान में हमेशा से ऐसे ही हुई है, सब पैसा दे के और बिरयानी की प्लेटें देखकर ही लाए जाते हैं जबरदस्ती में, इसीलिए तो आप ना जमहूरियत ना सियासत है, एक ड्रामा ही तो है इसके लिए, तो फिर कहा जाता है ना कि इलेक्शन से पहले ही हर इलेक्शन का रिजल्ट दे दिया जाता है, पिछली दफा भी इसी तरह था, कभी सिस्टम बंद कर दिया, कभी पूरे का पूरा अमला अगवा कर लिया, डस्का में हुआ था आपका, कहते जी धुंध की वजह से लेट हो गए, हालांकि वो अगवा करके रखे बैठे हुए थे आप, लेकिन तभी तो क्रेडिबिलिटी को नहीं ना, तभी तो आपकी अदालतों का नंबर 129 है, 130 में से 135 में से,
ना जमहूरियत है, ना लॉ एंड ऑर्डर है। बस तभी तो लोग जो वीजे लेके भाग सकते हैं वो वैसे भाग रहे हैं, जिनकी टांगे हैं वो टांगों में भाग रहे हैं, बेचारे एक टांग वाले फंसे हैं पाकिस्तान में, सारे जो लूटे लंगड़े हैं, यही हालात है, देख ले। 7 लाख, 7 लाख लोग तो इस साल भागे हैं जो डिग्रियां जिनके पास थी टिकटें लेकर जहाजों की, दूसरे पैदल भाग रहे हैं ईरान के रास्ते। मगर सर इलेक्शंस तो होने ही हैं, चाहे वो कैसे भी हो, लेकिन 2024 में पाकिस्तान में भी होने हैं, भारत में भी होने हैं, और जहां आप मौजूद हैं अमेरिका, वहां भी इलेक्शंस होने हैं। तो क्या चेंज लग रहा है आपको इन तीनों जगह के इलेक्शंस में? देखिए, इन तीनों जगहों पे इलेक्शन का जो मैं अमेरिका के हवाले से बताता हूँ, जहां मेरी सारी जिंदगी गुजर गई है, मुझसे अक्सर, क्योंकि आपको पता है मैं खुद एक पॉलिटिकल वर्कर हूँ और हमेशा आज से नहीं, क्योंकि मैंने पढ़ा भी पॉलिटिकल साइंस और सियासत ही पढ़ता रहा, मुझसे आजकल अक्सर ये क्वेश्चन किया जाता है, भाई डोनाल्ड ट्रंप साहब का क्या बनेगा या रिपब्लिकन पार्टी का क्या बनेगा? तो मैं यही कहता हूं कि अगर इलेक्शन फेयर हुए तो रिपब्लिकन पार्टी जीतेगी, और अगर इलेक्शन फेयर ना हुए उसका भी बता देता हूं, जब मेल इन वोटिंग हुई थी कोविड की वजह से, 22 मिलियन वोट जो मेल इन हुए थे, यहां सियासत में उसका एक नाम रखा गया था हार्वेस्टिंग वोटिंग, कि एक ही बंदा जाके सारे थैले भर के ले आता है एक ही जगह बैठ के पुर करके, उसको कहते हैं हार्वेस्टिंग वोट। तो अगर उस तरह का ड्रामा किया गया, यहाँ पे पिछले दिनों में दोबारा फेडरल गवर्नमेंट ने कहना शुरू कर दिया था कि कोविड आ रहा है, थर्ड वेव उसकी आ रही है, थर्ड वेव आ रही है, ये आ रहा है, वो आ रहा है, न्यूयॉर्क को कभी कहते थे बंद कर दें कभी, तो हमें लग रहा था कि अभी डायरेक्शन उसकी वही है उसी साइड। तो अगर उस तरह का ड्रामा, टोपी ड्रामा किया गया, तो फिर अमेरिका, इसके बाद अमेरिका वन पार्टी रूल बन जाएगा। आपने देख रहा है कि रिपब्लिकन पार्टी आज जिस तरीके से स्पीकरशिप के लिए आज वो लड़ रहे हैं, आज भी कोई स्पीकर नहीं है इस वक्त की असेंबली का, तो जिस तरीके से वो आपस में लड़ रहे हैं, और दूसरी साइड पे जो डेमोक्रेट पार्टी है उनकी मास्टरी है आर्ट ऑफ इलेक्शन पे, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के वो मास्टर हो चुके हैं, तो एक पार्टी आपने इंतजार में है और दूसरी पार्टी जो है उसको पता है इलेक्शन जीतना किस तरह, तो फिर ये वन पार्टी रूल होगी। दूसरा भी वैसे मैं बताऊं आपको आरजू, के सोशल मीडिया का बढ़ना, फेक न्यूज का बढ़ना, चाइना का राइज करना जहां पे एक पार्टी रूल है, ये सारी चीजें अब लोगों को कम्युनिज्म अट्रैक्ट करना शुरू हो चुका है। जहां जहां सियासी लोग भी मौजूद हैं दे आर बिहेविंग लाइक डिक्टेटर्स, अब वो अदालतों को भी टेक ओवर कर लेते हैं, मीडिया को भी साथ लगा लेते हैं, तो वो अनलिमिटेड पावर्स के आदि होते जा रहे हैं, और वो जमहूरियत के अंदर अनलिमिटेड पावर जो होती वो नहीं होती, वहां पे एक हेल्दी अपोजिशन पार्टी के बगैर जमहूरियत आगे नहीं चलती। हेल्दी जमहूरियत के लिए कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म इज वेरी इंपॉर्टेंट, जर्नलिज्म भी है जो पहले क्रिटिकल पहले कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करता था, अब वो जर्नलिज्म मीडिया एंटरप्राइज बन चुका है, तो अब वो चीजें वो नहीं है। इस वक्त अगर देखा जाए तो जमहूरियत को रिफॉर्म होने की जरूरत है, तो जो स्पेशल इंटरेस्ट इसमें आगे आ चुका है, जमहूरियत अब रिच मैन क्लब बन चुका है, टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन हो रही है, लोअर मिडिल क्लास और गरीब लोगों की कोई रिप्रेजेंटेशन किसी मुल्क में भी नहीं है इस वक्त। तो ये जब तक जमहूरियत इसको रिफॉर्म नहीं करेगी, ये तो मैं जमहूरी कंट्रीज की बात कर रहा हूँ, जो कंट्री आप जैसे कंट्री है वहां तो आपने जमहूरियत के भी तक बुनियाद ही नहीं रखी, आपने तो वो एक्सरसाइज शुरू ही नहीं की पहले दिन से, तो वो जिस तरह भारत है वहां पे तो एक्सरसाइज हो रही है, जमहूरियत चल रही है, चाहे अच्छी है बुरी है उसकी मैं मिसाल दूंगा, पंजाब के अंदर देख लें आम पार्टी आ गई, अगर दो नंबर ही होती तो क्यों आती, कैसे आती, वहां पे तो फिर कुछ ना कुछ एक्सरसाइज मुसलसल चल रही है, और आपने अभी तक उस एक्सरसाइज को एक दफा भी फिर इलेक्शन ट्राई नहीं किया। मैंने आपको शायद एक मिसाल शायद आप सुनाई थी कि नहीं, फातिमा जिना के मुकाबले में जब अयूब खान इलेक्शन लड़ रहे थे, ये मैं पुराने दौर की बात कर रहा हूँ जब सोशल मीडिया नहीं था, तो ईस्ट पाकिस्तान से उन्होंने स्वीप किया ईस्ट पाकिस्तान, तो यहां भी काफी सीटें ले रहे थे, अयूब खान बड़े परेशान थे, तो उनके साथ कोई ब्यूरोक्रेट बैठा था, तो उन्होंने कहा जी सर आप क्यों परेशान हो, उन्होंने कहा यार इलेक्शन के रिजल्ट ठीक नहीं आ रहे, उन्होंने कहा जी इलेक्शन के रिजल्ट लोगों को किस तरह पता चलेंगे, तो उन्होंने उस वक्त टीवी नहीं था, उन्होंने कहा रेडियो पे ऐलान होगा, तो उन्होंने कहा रेडियो पे आप ऐलान कर देंगे आप इलेक्शन जीत चुके जीत गए हैं तो आप इलेक्शन जीत जाएंगे, और उन्होंने बिल्कुल ऐसे ही किया था, उन्होंने रेडियो पे ऐलान कर दिया कि रेडियो पे ऐलान हो गया कि सदर अयूब जो है वो इलेक्शन जीत चुके हैं, वो जीत गए इलेक्शन। तो यही आजकल मेरा मकसद, अब ये सिस्टम है कभी डाउन हो जाता है कभी ऊपर हो जाता है, यही है ना, और फिर कोर्ट्स से जिस तरीके से कोर्ट्स बिहेव कर रही है, बशीर साहब ने आके आज आपको दूसरी खबर नहीं, डार साहब को उन्होंने कहा ये तो बड़ी गलती की थी जी, उनके खिलाफ तो करप्शन के चार्जेस मिले ही नहीं, हमारे पास तो कोई सबूत ही नहीं, हमसे गलती हो गई, तो वो फिर
किस तरीके से देखें हवाएं रुख बदल गई सर, किस तरीके, बिल्कुल गलत हो रहा है, गलत इसलिए हो रहा है कि इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी खराब हो। तो सर इसमें तो एजेंसी और फौज का ही आता है ना, पाकिस्तान की फौज और एजेंसीज ही ये सब कुछ करती हैं। आरजू एजेंसियां मुझे लगता है आपकी डालडे की एजेंसी है या सीमेंट की एजेंसी है, ये एजेंसियां ऐसे नहीं करती। कभी नेशनल इंटरेस्ट के लिए भी कुछ कर लिया करें एजेंसियां, ये सारी दो नंबरी करने के लिए एजेंसियां रखी हैं आपने। ये जो क्रैकडाउन क्यों नहीं करते करप्शन के खिलाफ, जो आके जिसको पकड़ते हैं कहते हैं जी मैं 9 मई के बारे में, 9 मई की मैं जी कहता हूँ उसको उसके उसके मैं कहता हूँ पाक फौज जिंदाबाद, और अरबों की उसकी करप्शन क्लियर, वो बिल्कुल साफ हो जाता है उसी वक्त। तो एजेंसियों को सिर्फ यही काम दिया है आपने कि पकड़ के वो सिर्फ 9 मई को कंडेम करा लें या इंटरव्यू दे दें तो वो पवित्र हो जाते हैं सारे। ये नेशनल इंटरेस्ट में क्यों नहीं एजेंसियां चलती, मुझे मेरा ये क्वेश्चन ये है। आपकी एजेंसियां फ्रेंच तो नहीं है, आपकी एजेंसियां रशियन तो नहीं है, पाकिस्तानी एजेंसियां किधर है आपकी, जो पाकिस्तान के लिए कुछ सोचे, कुछ पाकिस्तान के लिए फायदे बनाए। फाइल तो आपके 24 करोड़ लोगों की, लेकिन अपनी मर्जी पे खोलते हैं उनको, उनको पॉलिटिकल इस्तेमाल किया जाता है, ब्लैकमेलिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नेशनल इंटरेस्ट में एजेंसियां क्यों नहीं फाइलें खोलती, मेरा ये क्वेश्चन है आपसे। ठीक है सर, ये यही करते सर, ये बस डीएचए पर डीएचए बनाते जा रहे हैं। अभी भी इन्होंने एक दो डीएचए और डिफरेंट सिटीज में अनाउंस कर दिए, साथ ये जो टीटीपी के अटैक्स चल रहे हैं इसके ऊपर कोई खास काम होता हुआ तो दिखाई नहीं दे रहा, जो ये केपी के साइड पे या अफगान बॉर्डर पे जो चल रहा है वो तो ऐसे चलता रहेगा ना। वो तो देखिए वो आपके रडार में ना, आपकी प्रायोरिटी नहीं है उसमें। अब नवाज शरीफ साहब के जलसे में देखे ना, अभी तो दो जितनी बिरयानी और खाने वाने चखाए, अभी 2 दिन तो सोए रहेंगे 3 दिन, लेकिन वो आपकी प्रायोरिटी में नहीं है ना। आपके तो सिर्फ प्रायोरिटी लाहौर में है और इधर आसपास जहां पैसा है, जहां पे भूख है, जहां पे बलोचिस्तान तो आप जाते ही नहीं, बलोचिस्तान की तरफ आपने क्यों रुख करना है। मैं आज शॉक्ड हो गया एक खबर सुन के कि वो जो 12,000 पासपोर्ट आपने अफगानी भाइयों को बेचे हैं, तो उसके बाद एक लिस्ट मुझे मेरी नजरों से गुजरी है कि सबसे ज्यादा 2 नंबर या जाली पासपोर्ट कहां बनते हैं, तो सारे के सारे वो तो बलोचिस्तान के थे। और मैं हैरान हो गया, लाहौर के अंदर इन्होंने एक बंदा पकड़ा है, प्राइवेट बंदा, मैं नाम भूल गया, उसके पास आपके पासपोर्ट बनाने की मशीन ओरिजिनल जो गवर्नमेंट के पास है वो उसके घर में पड़ी हुई, और पेपर भी ओरिजिनल सारे उसके पास पड़े हैं, हर चीज घर में बैठ के डिप्लोमेटिक पासपोर्ट भी बनाए जा रहे हैं, पाकिस्तान के ग्रीन पासपोर्ट भी बनाए जा रहे हैं। तो सर अभी जब ये इसराइल और हमास के बीच में जब लड़ाई शुरू हुई है, तो हमारे यहाँ तो बहुत ऐलान किए गए, आज भी कई जगह पे मैंने देखा सोशल मीडिया पे लगाया कि जी ये प्रोडक्ट्स यूज ना करें, तो कोक और फैंटा और स्प्राइट उनकी बॉटल्स तोड़ी गई है, और एक वीडियो है सर जिसमें कोई बंदा पंजाब के किसी सिटी में कोक की बॉटल भर भर के रख रहा है, तो वो तो यहाँ बनती है। आपके पाकिस्तान में किसने कहा कि असली कोका कोला और पेप्सी बनती, वो तो सारे लाला मूसा में बनती, लाला मूसा हमारा मशहूर है, गुजरात के पास जगह है लाला मूसा, आपकी हर चीज तो वहां से बनती, दवाइयां तक तो असली मिलती नहीं है वहां पे, तो आपको कोका कोला असली मिल रहा होगा, अपने नुकसान कर रहे हैं। तो यार वो तो कोका कोला तो आती ही नहीं है कहीं से बन के। और दूसरी बात यह है कि मैं हैरान हूं इनसे, आपके ये मासूम जो आपके लौंडे लपाड़े हैं, और फेसबुक भी यहूदियों का है, इंस्टाग्राम भी उन्हीं का ही है, बिल्कुल। और मैं अगर इसका टोटल बायकॉट करोगे तो फिर सांस ही ले सकोगे और कुछ नहीं कर सकोगे, कुछ नहीं बचेगा, उसकी वजह यह है कि बाकी सारी दुनिया तो सोई पड़ी है। फर्स्ट वर्ल्ड वार और सेकंड वर्ल्ड वार के बाद जो कुछ भी दुनिया में हो रहा है उसके पीछे रिसर्च तो सारी ज्यूइश है, जर्मनी की आप देख लें, हिस्ट्री खोल के देख ले, पढ़ ले, अमेरिका को बनाने वाले भी वही है, वो यहूदी यहाँ आए, उन्होंने वॉल स्ट्रीट बनाई है, बॉलीवुड बनाया है, उन्होंने डिज्नी बना, पर क्या क्या उन्होंने बनाया यहाँ, तभी तो रूल कर रहे हैं वो। तो ये बच्चों को पता नहीं है, ये अभी भी गदों पे बैठ के कहते हैं हमने जिहाद करना, वो कराची में चले गए ना मौलवी साहब, बिल्कुल थे लोगों के ऊपर फिर के जा रहे, कहते हैं हम जिहाद करेंगे, और यार खुदा का नाम लो सर, हमारे तो क्रिकेटर्स जो ग्राउंड में उतरते हैं सर वो भी मौलवी बने होते हैं, कोई ग्राउंड में नमाज पढ़ रहा है तो कोई फूके मार रहा है, उसके बाद हार के बाहर आ जाते हैं। ये हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और मेरे ख्याल में तो ये इन्हें मजहब ये रिचुअल पे फंस गए हैं, मजहब की फिलासफी का नहीं, मजहब की फिलासफी होती है उसका ओरिजिन है उसके ऊपर देखें, जिस ना जिस मजहब का नाम इस्लाम है जो कहता है अमन पीस, वो नफरतें कैसे फैलाएगा, वो नफरतें किस तरह प्रीच करेगा,
तो मैं ये मेरा ये आज का जो मैं सबसे बड़ा खास कर नवरात्रे और इसके आज के इस हवाले से जो मैं मैसेज देना चाहूंगा वो ये है कि चाहे आप कुछ भी कोई भी हो, आप हिंदू हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, मुसलमान, अगर आप किसी दूसरे इंसान से मोहब्बत करने की सलाहियत नहीं रखते अनकंडीशनली, मेरी नजर में आप जीरो हैं। आरजू आप और मैं और जो मेरे हमें देख रहे हैं, हमारा सबसे पहला एक दूसरे के साथ रिश्ता है, हम पैदा बहसीते इंसान हुए थे, हमें मजहब और नाम बाद में दिया गया है। मैं किसी हिंदू के घर में होता तो आज मैंने हिंदू होना, तो फिर इसके ऊपर इतना झगड़ा क्यों है? एक दूसरे के तकलीफ जब क्यों नहीं समझते हो, एक दूसरे का दुख क्यों नहीं समझते हो? तो मैं ये समझता हूं कि ये और फिर उसके बाद ये है कि हमने कारोबार बना लिया, कारोबार मजहब को कारोबार, और खासकर डेवलपिंग कंट्रीज जहां तालीम की कमी है वहां तो ये चूर्ण बहुत बिकता है और लोग फिर खुल के बेचते हैं और लोग लेते हैं। मैं इस पर रिफ्यूज करूंगा। मैं समझता हूं कि हम सब जो इस दुनिया में है हम बहुत कीमती इंसान है किसी ना किसी के लिए, मेरे लिए तो हर इंसान कीमती है चाहे वो कैसी किसी मजहब से हो, किसी कलर का हो, बल्कि आप लोगों की बात करते हैं, मैं तो जानवर भी मेरे लिए बहुत कीमती और बहुत प्यारे हैं। खुदा ने बड़े प्यार मोहब्बत से सारा कुछ क्रिएट किया है और मैं समझता हूँ कि ये ज्यादती है। मैं हमेशा कंडेम करता हूँ, हमेशा कंडेम करता रहूंगा और प्यार का मैसेज ही हमेशा बांटता रहूंगा, इसमें शक भी कोई नहीं है कि अब वी आर ऑल ब्रदर एंड सिस्टर्स। बिल्कुल होना भी यही चाहिए सर। और अब तो फेस्टिवल सीजन शुरू हो गया, आज दशहरा है और उसके बाद आगे दिवाली भी।